सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पे। और आज की वीडियो पे हम बात करने वाले टॉप 5 बेस्ट फ्री ऑडियो रिकॉर्डर एंड एडिटर्स के बारे में। चाहे आप म्यूजिक के लिए ऑडियो रिकॉर्ड और एडिट करना चाहते हो, या वॉइस ओवर के लिए ऑडियो रिकॉर्ड एंड एडिट करना चाहते हो, या ब्रॉडकास्ट के लिए, मैं काफी रिसर्च के बाद 5 ट्रस्टेड और पॉपुलर फ्री ऑडियो एडिटर्स की लिस्ट आपके लिए लाया हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। हमारी लिस्ट में जो पहली ऑडियो एडिटर है, इसका नाम है ऑडेसिटी ऑडियो एडिटर। ये बिल्कुल फ्री ऑडियो एडिटर है जो कि विंडोज, मैक, लिनक्स तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। यानी तीनों में से कोई भी पीसी आपके पास है तो आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी भाई साहब, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जहां से आप एक प्रोफेशनली ऑडियो को एडिट कर सकते हो। यहां पे आपको सारे फीचर्स एंड टूल देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप एक अच्छी ऑडियो को एडिट कर सकते हो। बात करें इसके इंटरफेस की, तो ये कुछ इस तरह से ओपन होती है। ओपन होने के साथ आपको यहां पे ऑडियो को इंपोर्ट करना होता है, या आप इस रेड डॉट पे क्लिक करके अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप जो भी बोलोगे आपकी यहां पे रिकॉर्डिंग हो जाएगी। या आप रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते हो, पहले से रिकॉर्डेड फाइल आपके पास है, तो उसे आप यहां पे इंपोर्ट कर सकते हो। सिंपली आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी रिकॉर्डेड ऑडियो है उसे सेलेक्ट करके सिंपली ओपन पे क्लिक करना है एंड आपकी फाइल यहां पे इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो ऑडियो होगी यहां पे आ जाएगी। सिंपली आप इसे जूम करके देख सकते हो इसकी टाइमलाइन को। उसके बाद आप ऑडियो को सेलेक्ट करके इसके साथ इफेक्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन, फेडिंग। यहां पे आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे जिससे आप एक प्रोफेशनली ऑडियो को एडिट कर सकते हो। यहां पे आपको नॉइज रिमूव करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी आपके बैकग्राउंड में अगर नॉइज आती है तो आप उसे रिमूव कर सकते हो। बाकी आप यहां पे फीचर्स देख सकते हो, आपको यहां पे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, इसलिए बड़े बड़े पॉपुलर यूट्यूबर भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। बाकी आप इसे जाके ट्राई कर सकते हो। हमारी लिस्ट पे जो अब सेकंड नंबर का सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है ओकेन ऑडियो एडिटर। ये भी फ्री ऑडियो एडिटर है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और ये इजी टू यूज है, मतलब इसका जो इंटरफेस है काफी सिंपल है। आप इसे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। बात करें इसके इंटरफेस की, तो ये कुछ इस तरह से ओपन होती है। ओपन होने के साथ यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखता है। आप ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो, रेड डॉट पे क्लिक करोगे तो आपकी ऑडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, या फिर आप अपने फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। सिंपली आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे और जो भी फाइल आपकी जहाँ पे भी रिकॉर्ड की हुई रहेगी उसे आप सेलेक्ट करोगे और ओपन पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी, जो भी आपने ऑडियो रिकॉर्ड करके रखा होगा। तो सिंपली आप इसके टाइमलाइन को जूम करके देख सकते हो, आपकी ऑडियो की जो वेब होती है वो क्लियर दिखेगी। उसके बाद आप इसके साथ एडिट कर सकते हो। तो मैंने इसे जूम कर लिया, उसके बाद थोड़ा एरिया सेलेक्ट करके आपको कट लगाना था, ऑडियो पे कट लगा सकते हो। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इफेक्ट पे आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने इफेक्ट है और यहाँ पे भी आपको नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप नॉइस को रिमूव कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं जिससे आप एक प्रोफेशनली ऑडियो को एडिट कर सकते हो। बाकी आप इसे ट्राई करो, काफी बेस्ट सॉफ्टवेयर है। फीचर्स के मामले में इसमें भी बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, यानी आपको कोई भी फीचर्स की कमी नहीं होने वाली, आपको सब फीचर्स मिल जाएंगे और आप एक अच्छे से ऑडियो को रिकॉर्ड एंड एडिट कर पाओगे यहाँ पे भी। अब हमारे लिस्ट में जो थर्ड ऑडियो एडिटर है, इसका नाम है वेबपैड ऑडियो एडिटर, जो की NCH कंपनी की तरफ से आती है और काफी बेस्ट ऑडियो एडिटर है। यहाँ पे हर तरह की आप ऑडियो को एडिट कर सकते हो, चाहे म्यूजिक के लिए करना चाहो या फिर किसी भी चीज के लिए आप यहाँ पे करना चाहो, तो आपको यहाँ पे सारे प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं जिससे आप एक अच्छी ऑडियो को एडिट कर सकते हो। बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, आप एक बार जाके इसे चेक कर सकते हो। सिंपली आप इसे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे तो आपकी पीसी पे ये डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होती है। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे अगर ऑडियो को रिकॉर्ड करना है तो आपको रेड डॉट पे क्लिक करना है और आपकी ऑडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप फाइल को ओपन पे क्लिक करके इंपोर्ट भी कर सकते हो, यानी आपने जहां पे भी ऑडियो को रिकॉर्ड करके रखा होगा पहले से, तो उस ऑडियो के साथ आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। सिंपली मैंने यहाँ पे एक ऑडियो को इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद मैं इसके टाइमलाइन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इससे ऑडियो की जो वेब होती है वो काफी क्लियर दिखती है। उसके बाद मैं थोड़ा एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एडिटिंग पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि इफेक्ट पे कितने इफेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लीनअप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नॉइज रिडक्शन मिल जाता है, यानी आपके बैकग्राउंड में यदि नॉइज आती है तो आप उसे रिमूव कर सकते हो। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जिससे आप एक अच्छे ऑडियो को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इस ऑडियो एडिटर को आपको अच्छे से चलाना सीखना है, जिसके लिए आपको यूट्यूब पे एक ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। आप अगर नॉर्मली आओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिसे आप नहीं समझ पाओगे और चला नहीं पाओगे। इसीलिए यदि आपको अच्छे से इसे सीखना है तो आप यूट्यूब पे जाके इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देख लो। काफी अच्छा ऑडियो एडिटर है, मैं भी काफी दिनों से इसे यूज करता हूँ, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हमारे जो फोर्थ नंबर का ऑडियो एडिटर है, इसका नाम है वेबसॉर्ट ऑडियो एडिटर। ये भी काफी अच्छा ऑडियो एडिटर है, काफी पुरानी ऑडियो एडिटर है, बहुत दिनों से मार्केट पे, इसलिए आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। तो सिंपली आप इस वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड आपको 64 बिट का या 32 बिट का करना यहाँ पे मिल जाता है। आप जिस भी बिट का करना चाहते हैं उसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह की ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे ऑडियो को रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हो इस डॉट डॉट पे क्लिक करके, या फिर आप यहाँ पे अपने फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। सिंपली आपको ओपन पे क्लिक करना है और आपकी ऑडियो जहाँ पे भी रहेगी उसे यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने के बाद आपकी ऑडियो यहाँ पे आ जाएगी। आपको इसे जूम कर लेना ताकि आपके ऑडियो की जो वेब है वो आपको क्लियर दिखे। तो मैंने थोड़ा सा इसे जूम कर लिया और आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो ऑडियो की वेब है वो काफी क्लियर अब दिख रही है। आप यहाँ पे एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप इफेक्ट पे जाओगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। टूल्स पे आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं और जो भी
ऑप्शन होते हैं ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे, तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिससे आप एक अच्छी ऑडियो को एडिट कर सकते हो। बाकी आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है और भी आप देख सकते हो कितने सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इस सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हो। उसके बाद 5 नंबर का जो ऑडियो एडिटर है उसका नाम है एकॉस्टिका बेसिक एडिशन। यहाँ पे आपको फीचर्स कम मिलते हैं, यदि आप बिगनर हो आप ट्राई करना चाहते हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। आपको सिंपली डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। बात करें इसके इंटरफेस की, कुछ इस तरह से ओपन होती है। आपको क्रिएट अ न्यू रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, आपके सामने प्रोजेक्ट जो इसका ओपन हो जाएगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद इसका जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो चुकी है। आपको इस रेड डॉट पे क्लिक करके यदि आप ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद आपको फाइल पे जाके यदि ओपन करके कोई भी ऑडियो को इम्पोर्ट करना चाहते हो आप यहाँ पे ऑडियो को इम्पोर्ट भी कर सकते हो। तो मैंने जैसे एक ऑडियो को इम्पोर्ट कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो ऑडियो जो है वो हमारी आ चुकी है। उसके बाद आपको थोड़ा जूम कर लेना था आपकी ऑडियो की वेब आपकी जो है अच्छे से दिखे, तो मैंने जैसे ऑडियो को थोड़ा जूम कर लिया, ऑडियो की जो वेब है वो अब क्लियर दिख रही है। उसके बाद आप इफेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे आपको काफी कम फीचर्स मिलते हैं, इसीलिए मैंने बोला यदि आप बिगनर हो तो अभी आप इसे ट्राई करो। बाकी यदि आप अच्छे से ऑडियो को एडिट करना चाहते हैं, ऑडेसिटी जो सॉफ्टवेयर मैंने फर्स्ट बताया था उसे आप ट्राई कर सकते हो या फिर वेबपैड को ट्राई कर सकते हो। बाकी चारों सॉफ्टवेयर में काफी अच्छे फीचर्स है लेकिन यहाँ पे आपको फीचर्स काफी कम मिलता है, इसलिए आप इसे बिगनर हो तभी ट्राई करो, वरना यदि आप एक अच्छी ऑडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई मत करो क्योंकि यहाँ पे आपको फीचर्स उतना ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो गाइस यही 5 ऑडियो रिकॉर्डर एंड एडिटर थे जिसे आप ट्राई कर सकते हो। तो आप कमेंट करके बताओ आपको कौन सा ऑडियो एडिटर अच्छा लगा। बाकी यार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।